फ्रेंड्स, मैं सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा मेरी प्यारी बिंदु के बजट के बारे में, स्किन काउंट के बारे में, किस तरह से फिल्म चलेगी उसके बारे में बात करूंगा और कितना कलेक्शन ये कर सकती है सिनेमाघरों पे, वो सब बताऊंगा आपको। सबसे पहले इसका स्टार कास्ट बता देता हूँ। आयुष्मान खुराना है और इस फिल्म में बिंदु है। आयुष्मान खुराना कहीं ना कहीं एक राइटर रहते हैं और वो एक अच्छी कहानी की तलाश में कोलकाता अपने नेटिव जगह पर जाते हैं, फिर अपना बचपन याद करते हैं, फिर प्यार मोहब्बत जो भी हर चीज़ इस फिल्म में आपको नजर आएगी। यशराज की फिल्म है, यशराज की फिल्म में रोमांस तो होता ही है बिना उसके, यशराज की फिल्म आई थिंक कंप्लीट नहीं होती। तो फिल्म का जो बेस है यानी प्रोडक्शन है वो यशराज फिल्म का बहुत ही अच्छा होता है हमेशा। गाने सचिन जी गर्ग ने म्यूजिक दिया है और गाने भी अच्छे खासे हैं। मेरा फेवरेट इस फिल्म से जो गाना है कि माना कि हम यार नहीं फिर भी है, फिर भी प्यार नहीं, कुछ इस तरह से गाना है, बहुत प्यारा गाना है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है इस फिल्म के लिए, वो भी दो तरफा टेंशन है। एक तो हिंदी फिल्म, जो हिंदी डब फिल्म है बाहुबली, उससे टेंशन इस फिल्म को। दूसरा इसे हॉलीवुड रिलीज एलियन कोवेनेंट करके फिल्म है जो रिडली स्कॉट डायरेक्ट कर रहे हैं, उससे टेंशन है। वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। तो बाहुबली 2 को 2 हफ्ते हो गए हैं और कहीं ना कहीं कल से 3रा हफ्ता चालू हो जाएगा और वो अभी भी पूरी तरह से छाई हुई है। 6500 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई थी तो ज़्यादा स्क्रीन काउंट कम नहीं हुआ उसके अभी तक। लोग अभी भी दोबारा भी जाके देख रहे, जो नहीं देखे वो भी अपनी कसर मतलब दिल में नहीं रख रहे, वो ज़रूर जाके देख रहे हैं। तो ऐसे में बाहुबली 2 अभी भी छाई हुई है हर एक वर्जन में और इससे बहुत कम स्क्रीन इसी वजह से मिल पाई है मेरी प्यारी बिंदु को, जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 2 से 2.5 हज़ार स्क्रीन्स मिलनी चाहिए थी, लेकिन इससे सिर्फ मिली है 750 स्क्रीन्स। जी हाँ, 750 स्क्रीन्स इसको मिली है, जो कि बहुत ही कम स्क्रीन काउंट है। और इससे आप अगर ये इंडिया का स्क्रीन काउंट है 750 और ओवरसीज मार्केट में मतलब इंडिया के बाहर 325 स्क्रीन्स मिले हैं, तो वो भी बहुत कम है। तो इस लिहाज से अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में इस फिल्म की जो कलेक्शंस मुझे लग रहे हैं बहुत कम होंगे। और अगर ये फिल्म 2 से 3 करोड़ भी पहले दिन कमाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। और वो किस लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन काउंट कम है और 2 से 3 करोड़ भी इसे कमाना बहुत मुश्किल होगा। पहले तो बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन से टफ कॉम्पिटिशन है, ऊपर से हॉलीवुड रिलीज फिल्म है एलियन कोवेनेंट से, जिसका नाम मैंने आपको बताया, उससे टफ कॉम्पिटिशन है। और साथ ही साथ एक हफ्ता ऑलरेडी हो चुका है गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 को, जो बहुत बढ़िया चल रही है इंडिया में। तो ये सब फिल्मों से बहुत दिक्कतें हैं मेरी प्यारी बिंदु को। और ये दिक्कतें अगर आपको कम लग रही है तो आपको एक और दिक्कत बता देता हूँ। इसकी एक और बड़ी दिक्कत है सरकार 3, जो साथ ही में रिलीज़ हो रही है शुक्रवार को, और अमिताभ बच्चन की फिल्म है और बहुत बड़ी मल्टी स्टार फिल्म है, तो उससे भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं मेरी प्यारी बिंदु का जो बजट है वो अब आपको बता दूँ। बजट इस फिल्म का करीबन जो पता चला है 15 से 20 करोड़ है और इसका कलेक्शन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो प्रेडिक्शन मेरा कि 2 से 3 करोड़ से ज़्यादा जाएगा नहीं पहले दिन का। और जहाँ तक बाकी बात की जो इसकी स्क्रीन टाइम बता दूँ, कितनी लंबी फिल्म है, 1 घंटा 59 मिनट की फिल्म है, यानी कि लगभग 2 घंटा आप पकड़ के चलो, स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस फिल्म का ये है कि क्रिटिक्स किस तरह से इस फिल्म की तारीफ करते हैं या बुराई करते हैं। मुझे यहाँ तक लग रहा है बहुत ही ज़्यादा बैड लक चल रहा है प्रियंका चोपड़ा के साथ। किल दिल जो फिल्म थी 2014 में, उसके बाद 3 साल बाद अपना कमबैक करती हुई नज़र आ रही है प्रियंका चोपड़ा, लेकिन लग रहा है कि ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों से गुजरने वाली है। तो देखते किस तरह से कलेक्शंस होते हैं, क्या चीज़ें सामने आती है, वो आपको ज़रूर बाद में बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।